दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंशियल लिटरेसी में। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जानेंगे स्टॉक मार्केट में शेयर बाय और सेल कैसे करते हैं, यानी शेयर को लेना और खरीदना किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले आपके पास दोस्तों एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। मेरे पास एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट है, मैं इसे ओपन करूँगा और मुझे जो भी शेयर लेना है मैं उसे यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ या फिर मेरी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो लेट सपोज मुझे रिलायंस लेना है, तो मुझे यहाँ रिलायंस दिख रहा है, मैं डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पे बता भी सकता हूँ कि आपके पास यहाँ पे आप रिलायंस सर्च कीजिए, यहाँ पे रिलायंस दिखाएगा। और इसमें दो ऑप्शन आएंगे दोस्तों, कैश फ्यूचर ऑप्शन। तो हमें मोस्टली कैश में डील करना है, फ्यूचर ऑप्शन एक अलग टॉपिक है, उसे उसमें लॉट में काम होता है। तो अभी हम कैश की बात करते हैं। कैश में आपको दो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, NSE और BSE। तो अभी हम NSE पे डील करेंगे। NSE और BSE में अलग अलग प्राइस वेरिएशन होता है, लेकिन आप जो भी चाहे उसमें कर सकते हैं। मुझे अभी NSE में करना है, मैं NSE पे क्लिक किया, यहाँ पे शेयर पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे डायरेक्टली बाई कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्वांटिटी पे डालूँगा, क्वांटिटी मैंने एक डाली, यहाँ पे आपको प्राइस दिखाने लग गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहे तो मार्केट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर मतलब दोस्तों जिस प्राइस पर ये करेंटली चल रहा है उसी प्राइस पर हमारा शेयर बाई होगा। और लिमिट ऑर्डर दोस्तों वो प्राइस जो हम चाहते हैं। लेट सपोज़ मुझे 1945 रुपये में शेयर बाई करना है, तो मैं यहाँ पे 1945 डाल सकता हूँ। अब दोस्तों मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप अभी मैं यहाँ पे आपको एक अप्रोक्स रिक्वायर्ड मार्जिन, यानी एक शेयर लेने के लिए मुझे अभी 195 रुपये ही चाहिए इंट्राडे के लिए। इंट्राडे मतलब आज शेयर लिया और आज ही मैंने बेच दिया, यानी 9:15 पे जब मार्केट ओपन होता है तब मैं उसके बीच में कभी भी 9:15 से साढ़े तीन के बीच में कभी मैं शेयर ले सकता हूँ, सॉरी 9:15 से 3:15 के बीच में मैं कभी भी शेयर ले सकता हूँ, कभी भी बेच सकता हूँ। तो उसे इंट्राडे कहते हैं दोस्तों। आज ही शेयर लेना है और आज ही जब मार्केट क्लोजिंग के पहले उसे बेचना है, तो वो उसके लिए मुझे 10 times का मार्जिन मिला है। तो मैं उसे, इसकी प्राइस है 1945 रुपये। एक्चुअल में मुझे ये प्राइस देना चाहिए, लेकिन मुझे ब्रोकिंग या जो भी आपका डीमेट अकाउंट होता है वो आपको कुछ ना कुछ मार्जिन प्रोवाइड करता है। तो मुझे 10 times का मार्जिन मिला है, तो मैं उसे 195 रुपये में ही ले सकता हूँ। अगर मैं इसे लेट सपोर्ट डिलीवरी में करता हूँ दोस्तों, तो देखिए अब यहाँ पे आपको अप्रोक्स मार्जिन रिक्वायर्ड 1945 रुपये ही दिखा रहा है, मतलब जो प्राइस पे आप ले रहे हो, जितना भाव शेयर का है उतने पे ही आपको लेना पड़ेगा। डिलीवरी में दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा कि डिलीवरी, जैसे आज आपने कोई शेयर लिया है, तो या तो आज आप इसे आज भी बेच सकते हैं, 2 दिन बाद बेच सकते हैं, 10 दिन, 1 साल, 10 साल, कभी बेच सकते हैं, इसका मतलब होता है डिलीवरी। और आप यहाँ पे आपका खुद का आपके जितने अमाउंट आपके डीमैट अकाउंट में, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अवेलेबल मार्जिन में। देखिए दोस्तों, मतलब मैं ये शेयर ले सकता हूँ, इंट्राडे की बात करूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और मैं इस पे बाय ऑर्डर लगाता हूँ, कंफर्म बाय। तो ये दोस्तों देखिए शेयर का भाव चल रहा था दोस्तों 150 रुपये के करीब, लेकिन मैंने ऑर्डर लगाया 195 रुपये पे। तो अभी ये शेयर पेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है, जब तक इस भाव पे नहीं आएगा ये शेयर बाय नहीं हुआ है, और इस भाव पे आ गया तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और यहाँ पे आपको पोजीशन में दिखा, देखिए दोस्तों अभी कोई पोजीशन नहीं है, तो यहाँ पे आप जिस प्राइस पे लेना चाहेंगे उस प्राइस पे दिखा के आपको यहाँ प्रॉफिट लॉस दिखाना चाहेंगे। एक और डीप में चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने शेयर ले लिया है तो इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं दोस्तों। मॉडिफाई किस प्रकार से, इस शेयर का प्राइस चेंज कर सकते हैं। मुझे मान लीजिए कि नहीं 144 रुपये में ही लेना था, तो मैं यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, जब तक आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप चार्ट पे क्लिक करके शेयर के चार्ट देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे अलग अलग इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, इंडिकेटर के बेस पे आप जो भी प्राइस पे लेना चाहते हैं उस प्राइस पे आप ले सकते हैं। तीसरी चीज़ है, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आपको शेयर किस प्राइस पे ओपन हुआ है, मतलब रिलायंस 1937.30 रुपये में ओपन हुआ था, आज इसका हाई 1954.90 रुपये, लो 1930.40 रुपये, और प्रीवियस क्लोजिंग 1937 रुपये। और दोस्तों यहाँ पे बिड और आस्क प्राइस बता रहा है, मतलब बायर इस प्राइस पे लेना चाहते हैं बिड प्राइस मतलब, और आस्क मतलब सेलर इस प्राइस पे आपको सेल करना चाहते हैं। और मैं इसमें आप जब बाई करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप एडवांस ट्रेड में जाके स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस मतलब मान लीजिए कि मैंने 145 रुपये लिया, मेरा टारगेट है 150 रुपये, लेकिन शेयर ऊपर जाने की वजह नीचे चले गया, तो मुझे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। सो अगर मैंने 145 रुपये का स्टॉप, 140 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, तो उस प्राइस पर मेरा शेयर ऑटोमेटिकली मुझे 5 रुपये का लॉस होगा एक शेयर पर, और मेरा शेयर लॉस में बुक होगा। इस तरीके से आप अलग अलग स्टॉप लॉस ऑर्डर प्रोमो ऑर्डर, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको यहीं तक बताना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। और भी स्टॉक मार्केट से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।